सोफी मोलिनिक्स ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने मार्च 2018 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम सोफी ग्रेस मोलिनिक्स है और इनका जन्म 17 जनवरी 1998 बेंसटेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ और इनके पिता का नाम है मार्क। सोफी मोलिनिक्स बाएं हाथ की बैटर और बाएं हाथ की स्पिन बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलिंग ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 23। सोफी की कैप नंबर यानी इनका अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 48। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 22 मार्च 2018 इंडिया के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 138। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 18 अक्टूबर 2018 पाकिस्तान के खिलाफ खेला और टेस्ट में इनकी कैप नंबर है 175। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 18 जुलाई 2019 इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और सोफी डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर मेलबर्न रेनिगेट्स, विक्टोरिया और बिर्मिंघम फोनिस टीम से खेलती हैं। सोफी मोलिनिक्स को बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी। 10 साल की उम्र में इन्होंने जूनियर लेवल पर कई उपलब्धियां हासिल की। 2013-14 अंडर 18 स्टेट चैंपियनशिप के दौरान खेलते हुए इन्होंने बॉलिंग में हैट्रिक ली और 2015-16 अंडर 18 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सफलतापूर्वक टीम की कप्तानी की और विक्टोरियन प्रीमियर क्रिकेट क्लब में अक्टूबर 2015 में अपना पहला शतक बनाया। फिर विक्टोरिया के लिए 15 अक्टूबर 2016 को WACA में अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत की और डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत इन्होंने 2017 एलन बॉर्डर मेडल समारोह में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर अपनी पहचान बनाई और 2015-16 में WBBL सीजन के दौरान मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए महिला T20 की शुरुआत की और अगले सीजन में सोफी ने अपने पहले प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन में 18 रन देकर 4 विकेट के आंकड़े का दावा हासिल किया और नाबाद 28 रन भी बनाए और मार्च 2018 में भारत के दौरे के लिए सोफी मोलिनिक्स को ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में शामिल किया गया और 22 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में 2020 अंतर्राष्ट्रीय के लिए अपना पदार्पण किया जहां इन्होंने 2 ओवर फेंके और 15 रन दिए। फिर 18 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया। फिर 2018 ICC महिला विश्व कप 2020 में खेलते हुए सोफी मोलिनिक्स ने पूरे टूर्नामेंट में 4 विकेट लिए जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 रन देकर 2 विकेट के आंकड़े शामिल हैं और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में इन्हें एक सलामी बल्लेबाज के रूप में इस्तेमाल किया गया और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। और 2019 महिला एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ सोफी मोलिनिक्स ने 18 जुलाई को टॉन्टन के काउंटी ग्राउंड में अपना टेस्ट डेब्यू किया जिसमें बल्लेबाजी के रूप में 21 और 41 रन बनाए और बॉलिंग में 37 ओवरों में 95 रन देकर 4 विकेट लेकर गेंदबाजी के आंकड़े दर्ज किए जिसमें इन्होंने अपने पहले टेस्ट विकेट के रूप में इंग्लैंड के कप्तान हीदर नाइट को 28 रन पर आउट किया। इसके बाद इन्होंने 26 जुलाई को दौरे के पहले T20I में 26 रन देकर 1 विकेट लिया और जनवरी 2020 में ICC महिला T20I विश्व कप के लिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में लीजल ली को आउट किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन के अंतर से जीत हासिल की और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत के खिलाफ खेले गए फाइनल में सोफी मोलिनिक्स ने 21 रन देकर 1 विकेट लिया और अपनी टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप जीतने में मदद की। और 10 जून 2021 को सोफी को WBBL के लिए रेनेगेट्स का कप्तान नियुक्त किया गया और टीम के इतिहास में इस भूमिका को निभाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। तो हम कामना करते हैं कि सोफी मोलिनिक्स ऐसे ही क्रिकेट खेलती रहें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे टीम नेशन तमाशा@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।